यूपी में फिर से एमएलसी चुनावों की जंग। विधान परिषद की दो सीटों के लिए भाजपा सपा में होगी लड़ाई। सपा की ओर से कोई बड़ा नेता कर सकता है नामांकन। देखिए क्या है तैयारी और किसका दिखेगा दबदबा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दो रिक्त सीटों के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। नामांकन शुरू होने के साथ ही रणनीतिक तैयारियां भी दिख रही हैं। इन दोनों सीटों पर 1 अगस्त तक नामांकन होगा, जबकि 2 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी के लिए 4 अगस्त अंतिम तारीख है, जबकि 11 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक उपचुनाव के लिए मतदान होगा। विधान परिषद की ये दो सीटें समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन के निधन से और बीजेपी के पूर्व एमएलसी ठाकुर जयवीर सिंह के विधायक चुने जाने के बाद से खाली हुई हैं। सपा चाहती है कि कम से कम कद्दावर समाजवादी नेता रहे अहमद हसन की रिक्त सीट पर किसी तरह सपा अपना कब्जा बरकरार रख पाए। आपको बता दें कि ठाकुर जयवीर सिंह का कार्यकाल 5 मई 2024 तक का था, जबकि अहमद हसन का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था। यूपी विधानसभा में कुल 403 विधायक हैं, जिनमें अकेले भाजपा के 255 जबकि उनके सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल एस को मिलाकर 273 तक आंकड़ा पहुंचता है। वहीं समाजवादी पार्टी के 111 राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा को मिलाकर यहां आंकड़ा 125 तक पहुंचता है। लेकिन अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अखिलेश यादव ने अलग कर दिया है, जिसके उनके 6 विधायक कम हो जाएंगे। इसके साथ ही शिवपाल यादव भी अब समाजवादी पार्टी के खेमे में नहीं है। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी गठबंधन के 7 विधायक कम हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक, जबकि राजा भैया की पार्टी लोकतांत्रिक जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं। माना जा रहा है कि दोनों रिक्त सीट भाजपा के खाते में जाएंगी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के मुकाबला देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद में अब समाजवादी पार्टी के पास विपक्ष की कुर्सी भी नहीं बची है। संख्या बल कम होने से अब विधान परिषद में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है, जिसकी वजह से विधान परिषद में भी बीजेपी का दबदबा हो गया है। उत्तर प्रदेश में यह भी कई वर्षों के बाद हुआ है जब दोनों सदनों में किसी एक दल का पूर्ण बहुमत हो। विधान परिषद में मौजूदा वक्त में भाजपा के 73, सपा के 9 एमएलसी हैं, जबकि बसपा, अपना दल एस, निषाद पार्टी, जनसत्ता दल और शिक्षक दल के 1-1 एमएलसी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।